हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी अड्डा 95 पर। दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम एनालिसिस के आधार पे आपको बताएंगे कि एनटीपीसी में क्या कट ऑफ जा रही है, किस जोन की कितनी कट ऑफ जा रही है और कौन सी कैटेगरी में ज्यादा नंबर जाएंगे, किस में कम जाएंगे और क्या होंगे फाइनल मेरिट और कितने नंबर अगर आपने किए हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। तो आज हम इसमें सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं एनालिसिस जो किया हूँ उस आधार पर मैंने 12,000 बच्चों से मुझे जो पोल हमने किया था उस पोल में मुझे जो वोटिंग मिली है वो उस आधार पर मैं बता दूँ। सबसे पहले 2018 और 2021 में कंपेरिजन के आधार पर बता दूँ कि क्या हुआ था 2018 में और 2021 में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि इस वीडियो में आखिर क्या हमें देखना है और क्या हमारे काम की चीजें हैं। तो आइए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ एनालिसिस। आज हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन 2018 और 2021 की बात करते हैं। 2021 की बात करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी 2018 में कितनी थी। 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 18,250 थी। 18,250 थी जो कि बहुत कम थी और बाद में उसमें क्या हुआ था कि कुछ वैकेंसी और घटा ली गई थी। तो कितनी घटाई गई थी, 4,000 और घटा ली गई थी और जो टोटल बची थी वो कितनी थी, 14,250। टोटल जो थी 14,250। तो वैकेंसी हमने देख ली इतनी वैकेंसी थी। क्या हुआ था, क्या थी अटेंडेंस, कितने परसेंट बच्चों ने अटेंडेंस करी थी और कितनों ने एग्जाम छोड़े थे। 2021 की अगर बात करें तो इसमें वैकेंसी जो है वो 35,208 वैकेंसी है और इसमें दोस्तों कोई पोस्ट घटाई नहीं गई है, बढ़ाई जा सकती है। अब बात आती है फॉर्म फिलअप की। बात करें फॉर्म फिलअप की तो इसमें 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 1 करोड़ प्रतिभागियों ने फॉर्म फिल किया था जो कि बहुत है। 18,250 की वैकेंसी थी जिसमें 14,000 बची थी और उसमें 1 करोड़ फॉर्म फिल किया गया था। और यहां देखा जाए अगर कंपेरिजन में देखा जाए 2021 में तो कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, 1 करोड़, यहां भी 1 करोड़ 26 लाख, 1 करोड़ 26 लाख बच्चों ने यहां भी फॉर्म फिल किया है। और अब बात करते हैं कि एक वैकेंसी पर कितने प्रतिद्वंदी हैं, एक वैकेंसी पर कितने प्रतिद्वंदी हैं। तो आइए देखते हैं कि इस हिसाब से देखा जाए तो एक वैकेंसी पर 2018 में जो प्रतिभागी थे वो 302 थे। कितने थे, 302 लोग एक वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे थे भाई मेरे। और वहां भी अगर बात की जाए अटेंडेंस की तो अटेंडेंस वहां अच्छी खासी थी। आज अटेंडेंस कम है और क्यों कम है, कोविड के चलते वैकेंसी तो दुगनी है और कोविड के चलते हमारी अटेंडेंस कम है। और यहां अगर हम बात करें तो एक पे जो फाइट कर रहा बच्चा वो कितना फाइट कर रहा है, 112 कितना फाइट कर रहा है, 112। तो क्या वैकेंसी भी दुगनी, फाइट भी कम, वैकेंसी दुगनी और फाइट भी लगभग 3 गुना ज्यादा थी पिछले साल। तो क्या देखे हम या क्या देखते हैं, इस बार चांसेस ज्यादा है। और कट ऑफ की बात किया जाए तो भी हम बात कर लेते हैं। देखते हैं अटेंडेंस की। बात करें अटेंडेंस की तो अटेंडेंस का जो परसेंटेज था वो कितना है, इस बार 60-65% बच्चों ने अटेंड करा है एग्जाम को, 60-65% बच्चों ने अटेंड करा है। और लीव कितने लोगों ने किया, 35-40% लोगों ने एग्जाम लीव कर दिया। तो और इस बार अच्छा यहां देख लीजिए, अगर इसकी बात यहां की जाए तो
तो यहाँ एक और इशू है कोविड के चलते, यहाँ कोविड के चलते जो अटेंडेंस है वो मात्र 40 से 45% है, 40 से 45% बच्चे अटेंड कर रहे हैं और 55 से 60% बच्चे एग्जाम को छोड़ रहे हैं। तो अभी 2018 और 2021 की तुलना देखी जाए तो वैकेंसी यहाँ कम थी, यहाँ वैकेंसी दुगनी ही है, यहाँ फॉर्म भी कम पड़े थे, यहाँ फॉर्म और ज्यादा पड़े हैं। यहाँ कंपटीशन की बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए तो एक सीट पर 302 बच्चे फाइट कर रहे थे और यहाँ एक सीट पर 112 बच्चे फाइट कर रहे थे और यहाँ अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा थी, यहाँ अटेंडेंस बहुत कम है। ठीक है, तो अब आपने ये देख लिया, अब हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकती है मेरिट, जो मैंने पोल करी थी उस पोल में क्या आया था रिजल्ट, हम आप बताते हैं आपको जो हम पोल किए थे उसके अकॉर्डिंग कि मेरिट क्या जा सकती है, कितने नंबर कट ऑफ हो सकते हैं और कितना नंबर तक सही जो सेफ जोन आपका रहेगा। तो देखते हैं 65 से 70 नंबर का ऑप्शन था, 70 से 75 था, 75 से 80 था और 80 से 85 था। तो जो मैंने ये पोल किया था इसमें 12,000 बच्चों ने अपना ओपिनियन दिया है और उसके हिसाब से जो नंबर बताया जा रहा है वो ये 52% लोगों का कहना है, 52% स्टूडेंट्स का कहना है कि 65 से 70 नंबर कट ऑफ जाएगी, 65 से 70 नंबर के बीच में कट ऑफ जाए, जिनका 75 से 70 के बीच नंबर आता है और उन्होंने अटेंडेंस कम करे हैं तो वो बहुत ही और अपने आप को सेफ माने और वो मेंस की तैयारी करें। बात करें 70-75 की तो इसमें पोल क्या प्राप्त हुए हैं, इसमें पोल 28% प्राप्त हुए हैं, 28% लोगों का मानना है कि 70 से 75 जा सकती है और जो इसके बीच में वो भी बहुत अच्छे से बहुत सेफ है। 75 से 80 की बात की जाए तो 11% लोगों का कहना है, 11% लोगों का कहना है कि 75 से 80 में जा सकती है और 80 से 85 बात की जाए तो 9% लोगों का कहना है कि 80 से 85 मेरिट जा सकती है और ये सेफ जोन है। ये कौन सा जोन है, ये सेफ जोन है। तो अभी तक तो मैंने इतना देख लिया और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर क्योंकि उसमें हम आपको जिला वाइज जो वाइज बताएंगे कि कितना मार्क्स कितना जा सकता है, कैटेगरीज क्या हो सकती है। तो अब तक तो आपने देखा और इसमें भी नॉर्मलाइजेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिसने कम अटेम्प्ट करा है और उनके जो मतलब पेपर के एक्सेप्टेड रहे हैं क्या क्या रहे, हम आपको जनरल बताते हैं कि क्या रही है उनकी वैल्यूज। अब जीएस की बात करें तो जीएस में भी क्वेश्चन ऐसे आए थे, कुछ क्वेश्चन इतने टफ थे कि जो हमने कभी सुना भी नहीं था, जीएस के पार्ट्स हमने भी देखे अच्छे से। तो कितना रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें बैंकिंग रीजनिंग का सेक्टर कुछ डाल दिया गया था जिससे बच्चे बहुत उलझे दिखे, परेशान दिखे, पेपर का भी लेवल बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन 45 से 55% के बीच में पेपर अच्छा भी था, टफ भी था और पेपर का लेवल यही था। ठीक है, बात करें मार्क्स की तो मार्क्स में भी 1 लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि 3-4 लाइन के अंतर्गत मार्क्स के क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत बच्चों को परेशान किया और करंट अफेयर तो बिल्कुल परेशान की 2016-17, जबकि करंट 2016-17 की बात की जाए तो वो इतिहास हो जाता है, करंट अफेयर नहीं रह जाता। करंट का मतलब होता है जो लेटेस्ट हुआ हो और तुरंत का हो, साल भर के अंदर का करंट अफेयर सही है बट 2014-2015 ये तो फिर हमारी हिस्ट्री हो गई, ये कहां हमारे करंट रह गए, ये हमारी हिस्ट्री रह गई। ठीक है, तो आप एनालिसिस हमने किया उसमें हम आपको सेफ वाइज जोन वाइज बताने जा रहे हैं आगे, तो कंटिन्यू करिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं।